अस्सलाम वालेकुम, सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम जिन कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। किसी भी अकाउंटेंट का इन कैलकुलेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इन कैलकुलेशन को किस तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी इनवाइस पर नज़र दौड़ाएंगे तो इनवाइस पर आपको इनवाइस वैल्यू मिलती है, जीएसटी परसेंटेज मिलता है, जीएसटी वैल्यू मिलती है और टैक्सेबल वैल्यू मिलती है। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू मिस हो तो आप किस तरह उसको कैलकुलेशन की मदद से निकाल सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू अगर हमें मालूम करना है तो इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास जो इनवाइस है उस 10,000 रुपये की है और 17% उस पर जीएसटी लगा हुआ है और हमें मालूम करना है कि टैक्सेबल वैल्यू क्या है इस इनवाइस की। तो इसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये है कि इनवाइस वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे 1.17 से, तो हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। अगर 18% होता तो 1.18 से हम डिवाइड करते, और अगर 20% होता तो 1.20 से हम डिवाइड करते, तो टैक्सेबल वैल्यू हमारी निकल आती। तो आइए इसको एक्सेल में कर देखते हैं कि इसको किस तरह कर सकते हैं। आप सबसे पहले इज इक्वल टू टाइप करें और इनवाइस वैल्यू को सिलेक्ट करें, डिवाइड करें 1.17 से। तो देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से हमने टैक्सेबल वैल्यू निकाल ली। इसी तरह अगर आपके पास आपको जीएसटी परसेंटेज मालूम करना है तो इसको आप किस तरह निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास इनवाइस वैल्यू 10,000 रुपये है और टैक्सेबल वैल्यू 8,547 रुपये है और आपको जीएसटी परसेंटेज निकालना है, तो इनवाइस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे टैक्सेबल वैल्यू से और माइनस कर देंगे 1 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारी जीएसटी परसेंटेज आ जाएगी। तो आइए एक्सेल में इसको किस तरह करेंगे जानते हैं। सबसे पहले इक्वल टू आप टाइप करें, इनवाइस वैल्यू को सिलेक्ट करें, डिवाइड और टैक्सेबल वैल्यू माइनस 1। बस आपने माइनस 1 लिख कर सिर्फ इंटर करना है। जैसे ही मैंने इंटर किया तो आप देखेंगे कि 17% आ गया, यानी कि जीएसटी परसेंटेज 17 है। तो इसी तरीके से जीएसटी वैल्यू अगर आपने मालूम करना है तो इसको आप किस तरह निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो है टैक्सेबल वैल्यू जो है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 17% से, तो आपके पास टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। आइए जानते हैं कि इस कैलकुलेशन को हम किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले आप इक्वल टू टाइप करें और टैक्सेबल वैल्यू को लिए मल्टीप्लाई बाय 17%। इस सेल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ही इंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि जीएसटी की वैल्यू आ गई। तो कितनी आसानी से हमने जीएसटी की वैल्यू को जान लिया। इसी तरह अगर आपने इनवाइस वैल्यू जानना है कि इनवाइस वैल्यू किस तरह निकलेगी, मान लीजिए कि हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू दिया हुआ है और जीएसटी परसेंटेज दिया हुआ है और हमें इनवाइस की वैल्यू मालूम करना है, तो इसको हम किस तरह निकालेंगे। टैक्सेबल वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.17 से, क्योंकि 17% है तो 1.17 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनवाइस की वैल्यू आ जाएगी। अगर 18% होता तो हम 1.18 से मल्टीप्लाई करते। तो आइए इसको एक्सेल में कर देखते हैं। सबसे पहले आप इक्वल टू टाइप करें, टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई का साइन यानी कि स्टेरिक आप टाइप करें और 1.17। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि इनवाइस की वैल्यू आ गई। आपके पास कोई भी इनवाइस है और उसमें कोई भी वैल्यू मिसिंग है तो उसको आप कैलकुलेशन की मदद से निकाल सकते हैं। तो काफ़ी उम्दा कैलकुलेशन है, काफ़ी ज़बरदस्त ट्रिक्स है। तो इन कैलकुलेशन की मदद से आप अकाउंट्स की बेहतरीन कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।